हेलो गाइस, फलाना ढिमकाना यार, सभी यूट्यूबर की ना इंट्रो होती है, लेकिन मेरी कोई इंट्रो है ही नहीं। और ये देखो हमारे दादाजी यहाँ पर ये ना डिस्टर्ब करता रहता है यार तो मेरी भी कोई ना इंट्रो ही नहीं है, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। कुछ ही बोल देती हूँ, आप एडजस्ट कर लिया करो। अभी अष्टमी कल है तो उसके लिए मेरे को करनी है घर की सफाई, पूरे घर की सफाई करनी है। और घर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और पारस हैं। तो अभी चलते हैं, कितना सारा काम है। मेरे को पूरी सफाई करनी है घर की। ऊपर से पारस तंग करता है, इतना ज़्यादा तंग करता है कि पूछो मत। जैसे मैं व्लॉग शुरू करती हूँ तो उसको कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाती है, ये आ जाता है मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए। सबसे पहले चलती हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूँ यार, फिर फील करना पड़ता ही है। तो सबसे पहले वही करती हूँ, हम उसके बाद करूँगी अगला। पहले तो मेरे पोछा लगा के ख़त्म नहीं होगा, सारे में लगाना पड़ेगा मुझे। तो भरती हूँ सबसे पहले पानी। इसी बीच में मुझे याद आया कि मेरी गायें हैं धूप में बेचारी, मैं उनको पानी पिला लेती हूँ। वो भाई आँखें नहीं खुली नहीं धूप में मेरे से यार, क्या मंदी तो नहीं लगी सच में उन्हें यार, मेरे से आँखें क्यों नहीं खुल रही होंगी। और मेरी गाय इंतज़ार कर रही है मेरा। आ जाओ, ये देखो कैसे आ रही है मेरे पास। ओले बाबू मेला, धूप लगी धूप। रुको खोलती हूँ मैं तुम्हारे को, क्या डर के मारे मारता नहीं। हाँ यार, अच्छा मेरी गायों का ना झाल इनको लगी हुई, पता नहीं किस चीज़ की भूख है इनको, पागल गायें सली। दिख रही है क्या तेरे, क्या है? शुरू हो गए अपना आ बेटा, गुड बॉय गुड बॉय। वो गाय हम आज पोछा लगा रहे हैं, बोलो। चल चल, तो हम अभी पोछा लगा लेते हैं। तो मैंने पोछा लगा दिया है, पहले मैं पोछा मारना बोलती थी, अब मैं पोछा लगाना बोल रही हूँ। तो मैंने पोछा लगा दिया है, फिर मेरे को एकदम से ध्यान है कि वो टाइम 1:30 बज चुका है और अब तक मैंने गाय नहीं धोई है। ऊपर से मेरी आंखें नहीं खुल रही यार, हफ। तो मैं भी धो लेती हूँ गाय, उसके बाद करूँगी लंच। हाँ लंच, फिर मेरे को थोड़ी देर रेस्ट करना है, फिर उसके बाद शाम को देखती हूँ क्या करूँ। ये काम भी मेरा ख़त्म, अभी चलती हूँ अगले काम पे। काम। मेरे को ना बैंगन नहीं है पसंद, लेकिन फिर भी बैंगन बना दिए। मैं इसमें से आलू निकाल रही हूँ, आलू खाऊंगी। और ये देखो पार्सू के लिए चप्पल। ये शॉपिंग हो रही भी पार्सू, क्या बात है। मेरे को ये तो ठीक लग गया। खराब नहीं, ठीक। ये लाए हैं मम्मी अपने लिए सूट, ये इसका दुपट्टा। फिर क्या पड़ा आज, फिर इसका दांत भी टूट गया मंथन का। इसमें जीभ नहीं लगा, तेरे जमे गए ही दांत ये। और पता है यार, हमारा मोगलू भी मर गया, पता नहीं उसको क्या हुआ है ना मंथन, बेचारा मर गया हो यार। पार्सल मारा तुम दस बार का, वो बैठता उसके ऊपर। मुझे धोने में बर्तन लेकिन बहुत है इसमें, ऐसे क्या फ़ायदा होगा कि मैं बिना धोए बर्तन इसमें रख लेंगे। मुझे ऊपर भी रखने हैं सारे बर्तन। अच्छा ये देखो,
चम्मच और काट कर। और यहाँ बन रहा है नींबू पानी है ना, और कोई काम नहीं इनको। आपको क्या हुआ? काम पे लगला खाल, पेट में बुखार ठीक हो गया। मेरे को पेट में बुखार हो गया, कितना बुरे हाल हो गए। मेरे को बाजू में बहुत दर्द हो गया यार, और अभी आधा भी नहीं हुआ मेरे से काम। दिल तो कर रहा है इसको यहीं फेंक दूँ, पर नहीं कर सकती। अभी बहुत कबाड़ा किया मैंने यहाँ पे, बहुत खलारा कर रखा है। तो अब जा रही हूँ मैं नहाने, मेरी कंडीशन हो गई बहुत ख़राब, और इतनी गर्मी। अब जाके मैं फ्री हुई, मेरे कम से कम ना 3 घंटे लग गए हैं, शायद 3-3.5 घंटे इतना ज़्यादा। तो मैं अभी फ्री हुई हूँ, मैं जा रही हूँ नहाने, मिलती हूँ आपसे थोड़े टाइम बाद। 15 minutes later। और अब आ गई हूँ मैं नहा के, बहुत फ्रेश फील हो रहा है मेरे को, क्योंकि सुबह से लेके मैं लगी हुई थी। और यहाँ देखो मैं जल गई थी कल रोटी बनाते बनाते। तो आज का व्लॉग बस मैं यहीं ख़त्म करूँ, क्योंकि मेरा इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अब मैं कुछ और बताऊँ। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।